नमस्कार दोस्तों दोस्तों हर एक सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक सरकारी नौकरी की अच्छे से प्रेपरेशन करवाई जा रही है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अन अकेडमी का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर ओके करके आप मुझे फॉलो कर पाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब चैनल को, दबाइए बेल बटन हर लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है आईबीपीएस की तरफ से आई हुई है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से। आपको पता है आईबीपीएस के अंडर काफी बैंक्स होते हैं जो कि वैकेंसीज निकालते हैं। पहले भी इन्होंने निकाली थी, अब दोबारा से पोस्ट आ चुकी है क्लर्क की। मैं बता देती हूँ, ये देखिए इन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है ये, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा, बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इंडियन, काफी सारे बैंक है, पीएनबी, और ऑल इंडिया के लिए ये सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है। ये मैं आपको बता देती हूँ, 7275 पोस्ट है। डिटेल्स में बात करेंगे। और क्लर्क की पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है क्लर्क की पोस्ट है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की और इम्पोर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, जो आपने अगर कुछ मॉडिफाई करना है एप्लीकेशन में, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो, वो 18 सितंबर 2018 से 10 अक्टूबर 2018 तक आप कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस पेमेंट के लिए 18 सितंबर 2018 से 10 अक्टूबर 2018 दोनों के लिए सेम डेट है। और कॉल लेटर आप अपने प्री एग्जाम के लिए नवंबर 2018 में डाउनलोड कर पाएंगे। और जो प्री एग्जाम कंडक्ट होगा वो 26 नवंबर 2018 से लेकर 1 दिसंबर 2018 के बीच में रहेगा। और जो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के प्री एग्जामिनेशन ये कॉल लेटर है, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको, नवंबर 2018 में आप कर पाएंगे डाउनलोड। और प्री एग्जाम जो आपका कंडक्ट होगा ऑनलाइन, 8 दिसंबर 2018 को रहेगा, 9 दिसंबर 2018, 15 एंड 16 दिसंबर 2018 को रहेगा। और रिजल्ट जो इसका आएगा वो दिसंबर 2018 में या फिर जन 2019 में आ जाएगा। और मेन एग्जाम के जो कॉल लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे वो कर पाएंगे 20 जनवरी 2019 में, आप कर पाएंगे 20 जनवरी 2019 में। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो अप्रैल 2019 में हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं नेशनैलिटी। आपको पता है कि इंडियन होने चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 20 से 28 साल अगर आपकी एज है देन आप अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिट की, रिलैक्सेशन की। SC ST को 5 साल का मिलेगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, नॉन क्रिमी लेयर के लिए 3 साल का, और PWD के लिए 10 साल का रहेगा। एक्स सर्विस मैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन के लिए रहेगा, देखिए 3 साल का, 8 साल का, मतलब अकॉर्डिंग टू उनके सर्विस के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। और विडोज और डिवोर्स्ड एंड वुमेन के लिए रहेगा 9 साल का। और यहाँ पे आप रीड कर लेना बाकी जो है इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद मैं आपको मेन मेन बातें बता देती हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है आपको, मैं आपको लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि आपको कैसे अप्लाई कर देना है इन जॉब के लिए। और अब बात कर लेते हैं अपने एग्जाम के, एग्जाम आपका पैटर्न रहेगा क्या। तो देखिए जो CRP ऑनलाइन एग्जाम आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और इसमें 30 मार्क्स के रहेंगे। और हर टेस्ट के लिए देखिए सेपरेटली टाइम जो है वो अलॉट किया हुआ है, 20 मिनट्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट्स के लिए रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी का 35 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स के 35, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके जो है वो रहेंगे। उसके बाद जो एग्जाम है मेन एग्जाम की बात कर लेते हैं, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट्स का रहेगा। और जनरल इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट्स के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का रहेगा 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के एंड 45 मिनट्स का रहेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा 50 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 रहेंगे और 45 मिनट्स का रहेगा। और 190 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, 160 मिनट का जो है वो टोटल आपका टेस्ट रहेगा, राइट। और उसके बाद एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर कंडक्ट होंगे, जैसे क्योंकि ऑल इंडिया के ये रिक्रूटमेंट है। मान लीजिए आप चंडीगढ़ की तरफ से या पंजाब की तरफ से अप्लाई करें तो आपका नियर अबाउट ही रहेगा, मतलब चंडीगढ़ रहेगा आपका जो एग्जाम सेंटर होगा, या फिर जलंधर के नियर अबाउट भी बनता है।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ बता रखी है, आप इसको पढ़ लेना और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो है आपने अपने ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड रखने हैं, अपने साथ में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट रखना है, आइडेंटिटी प्रूफ, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन के और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के आपने रख लेने हैं, सर्टिफिकेट अपने साथ में, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अदर कास्ट से यानी लाइक SC ST OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको अपना रखना है साथ में कास्ट सर्टिफिकेट। एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे बताया हुआ है, आपका कोई कॉपी या कोई डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है वो आपने रख लेना है और ऑनलाइन आपने अप्लाई कर देना है। मैं आपको बता देती हूँ, अप्लाई करने से पहले आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, पहले रीड कर लेनी है सब, मतलब सारे इंस्ट्रक्शंस। और वेबसाइट का जो लिंक है IBPS का वो मैं आपको दे दूँ डिस्क्रिप्शन में। 18 सितंबर 2018 से जैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, 10 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट रहेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन बताई है, फोटोग्राफ इतने साइज की होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर और 3×3.5 सेंटीमीटर सिग्नेचर, और सिग्नेचर जो कैपिटल लेटर में जो अगर होंगे वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। और मतलब आप सारा पहले रीड कर लेना तब जाके अप्लाई करना। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देखिए SC ST के लिए 100 रुपीज़ है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ रहेंगी। और भी काफ़ी इन्होंने जनरल गाइडलाइंस में बताई हुई है, लिंक मैं आपको दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, सारा पढ़ लेना। बॉयज़ गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप बॉयज़ गर्ल्स दोनों अप्लाई कर पाएंगे और इंडिया में कहीं से भी है तो। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई है, पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।